जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो आप मन के स्वागत है हमर ब्लॉग में। तो आज मैं जा तो हमर गांव मध्य प्रदेश, और जो दीदी है उखर शादी होने वाला है, तो हमारे सब फैमिली वहीं जाते हैं। बस भाई नहीं जाते, भाई पहले से आ चुके हैं घूम के। तो भाई कहाँ हैं? तो ये हमारे फैमिली। बाय अम्मू। बाय भाई, फिर मिलते हैं। आना ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूँगा। हाँ पापा, तो ये रहे मेरे पापा मम्मी। तो हम सब लोग रेडी है, स्टेशन पहुंच गए हैं। और मैं हर बार स्टेशन से ही ट्रेन में, ज़्यादातर कि मैं स्टेशन में ही आती हूँ, ट्रेन में ही, मतलब कि स्टेशन पे ही ब्लॉग बनाती हूँ। थोड़ा स्लोमो क्वीन हूँ तो स्लो ही चलती हूँ थोड़ा सा। अरे नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं हमेशा स्टेशन से ही स्टार्ट करती हूँ ज़्यादातर, तो लेट हो जाती हूँ ना घर में। चलो देखना हमारे यहाँ का शादी और अमृता का ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग। चलो जाओ, बाय, फिर मिलेंगे। संगवारी हो, आप देख सकते हो कि हमारे ट्रेन आ चुके हैं और स्टेशन में है बहुत भीड़। तो चलो चढ़ते हैं ट्रेन में। Three hours later. अभी हम लोग पहुंच गए हैं उस्लापुर, और बाहर आए हैं हिमांशु भैया, मनु भैया और अतुल भैया नहीं आए इस बार, शायद गए ही है गाँव। तो चलो मिलते हैं भैया। ट्रेन आगे निकल गया। लो पापा उतार जाओ, उतार जाओ थोड़ा सा, मैं भी उतार रही हूँ। 2 मिनट या देखो कौन आया। भैया आए। अरे वाह, मोना दिखा देना। मोना देखो, मोना दीदी आप अगर ब्लॉग देख रहे हो तो देखो मेरे को गिफ्ट मिला। तो हम लोग उस्लापुर में चाय पी रहे हैं विद हिमांशु भैया, मोनू भैया और अंकित भाई, और मेरे मम्मी पापा और मैं खुद ब्लैक ब्लैक। अमृता चाय पी रही है उस्लापुर स्टेशन में। आंटी बैठी हुई है, तुम्हारा फ्रेंड भी आया था ना इसको लेना। अब मोना को खाना, मोना ने मेरे को चॉकलेट मिला, देखो बिजली पहुंच चुकी है और बहुत आराम से आ रहा था ट्रेन, 1 घंटा लेट चला है। अभी सुबह का 4 बजे हम बिजली पहुंच गए हैं और ठंडी बहुत है। तो फिर जा रहे हैं जिनके यहाँ शादी है मेरी दीदी के घर, तो वहाँ जाके अब तो आप सबको उनसे मिलाऊंगी। तो फिर अभी मैं नहीं बना सकती आगे का ब्लॉग, मिलते हैं सुबह। मियाओ, हाय, कहाँ घुसी हो? पेटीकोट पहनी है ये। हाँ ऐसे पहन लियो, सो जा सो जा सो जा। लल्ली हाय। तो ये है लल्ली और ये मेरी क्यूट सी भाभी। हाय बोलो भाभी। हाय। और कुछ? आज इसका तबीयत खराब है तो एकदम शांत से बैठी है, नहीं तो बहुत मस्ती करती है। अभी तो नजर नहीं आती यहाँ पे, घूमते रहती है इधर उधर, पूरे घर पे नजर आती। इसका बाल एकदम मस्त है, करली करली। तुम सो रहे हो क्या? चलो खेलो मेरे साथ, चलो खेलो मेरे साथ, मेरे साथ खेलो ना, मत सो ना, चलो खेलो मेरे साथ, मेरे साथ खेलो, मियाऊ मेरे साथ खेलो ना। यहाँ पे सब लोग माहौल लगवा रहे हैं। सबसे बाजार में बेचारी वाड़ो है ना, ज्यादा भारी है भाई, कुदारी उड़ाई करके मंगा देता हूं। सब अलग अलग रख ले, हो गए अब आई छोड़, कुदारी ना छोड़, पकड़े रह। हां ये उठा ले, ऐसे उठा दूं, हां हो गया, ऐसे फंस जाए, हो गया, अब तू उठ भाई, एक उठा फंस बेचारा, मैं कहां देख रहा हूं, ये रहा भाई, ये रहा, ये बड़ी है। खान खान के चुरकी में डाल दे थोड़ा, खान खान ये थोड़ी थोड़ी से
अरे अच्छे से थोड़ी जाई ना कोड लेना पूरा आई कोड ले की मार हां ऐसे आराम से ऐसे थोड़ी थोड़ी करना हाथ से कर दे साल हाथ में धारा कहां गए भाई रखियो हां इसको अलग कर दो माल लाई हो तो हां देता नहीं पड़ेगा जेठानी छोटी देवरानी और मछली देवरानी लस मंजू लियो छोटी बीच में है मैं ये मेरी बहन अमृता और हम लोग यहाँ पे शादी के माहौल पे हैं और आप देख सकते हैं हाँ माटी मांगर और हमारे यहाँ माटी मांगर का कार्यक्रम चल रहा है और आप देख सकते हैं माटी मांगर का काम चल रहा है। तो ये चल रहा है मंडप गाड़ने का तैयारी, कावा पकड़ के खड़े हैं ये मंडप का लकड़ी को और ये रहा टीपा, इसमें मंडप लगेगा। तो तैयारी है, बाद में दिखाऊंगी जब पूरा रेडी हो जाएगा मंडप। संगवारी हो देखो मैं मेहंदी लगाई हूँ, वो भी अपन से पहली बार इसने मेहंदी लगाई हो, बोले मेहंदी लगाई पर बिल्कुल नहीं आए पर भी से यूट्यूब से देख के सीख के लगाए हों। और मोर दीदी जेकर शादी हुआ थी ओखर मेहंदी ला देखो है दीदी, हमारे दीदी इधर गोड़ के मेहंदी ये देखो ये, और एक इधर दोनों पैर में मेहंदी। ये मेरे पीछे पड़ी है कि मेरे में मेहंदी लगा दो, मेरे में भी मेहंदी लगा दो, पर मैं अपने हाथ में लगा ली हूँ तो मैं अभी कैसे लगाऊंगी। और ये नाच रही है, डांस कर रही है, नाचो क्या गगन दीदी हाय। ये है मेरी प्यारी सी बुआ हल्दी पीस रहे हैं और अंजलि मेरी बहन हल्दी चढ़ा रही है दीदी को। तो संगवारी हो जैसे कि आप मतलब पता है मोर दीदी है और शादी होती तो हम आए हैं तिलक में, आए हैं अभी तिलक मने सगाई, तो सगाई और शादी एक ही दिन हुआ थे काबर की बारात बहुत ही दूर से आए हैं तो एक ही दिन तरह से मन दीदी की शादी और तिलक। तो फिर आप मतलब बने रहो मत एंजॉय करो बोला देखो तो हाँ देखो ये मैं मेहंदी लगाई हूँ, ज़्यादा रचिस तो नहीं है पर भी से अच्छा दिखा थी। और आप मैं कमेंट में बताओ कि मैं कैसे दिखा दूँ।